स्टार्ट करो। वालेकुम। इमली का अचार बनाना चाह रही मैं आज। कितनी अच्छी है, एक डगा ली कितनी इमली, थोड़ी पत्ता भी कितना सुंदर है, देखो कितना अच्छा है। ये अचार बनाए तो कितना अच्छा, देखो ये अचार में मिर्ची आधा किलो, इमली को आधा किलो मिर्च होना, रे इमली मिर्ची हरी मिर्च डालना, कोथमीर, जीरा, धनिया, नमक, हल्दी, लहसुन। ये इमली का छिटला निकालना, ऐसा वीडियो में बताई ना आप लोगों को, अब मैं इसका छिटला निकाल रही। मैं कितनी अच्छी इमली का छिटला भिगाई, पानी पानी में एक घंटा भिगा भिगा के तो पूरा छिटला निकालना है। छिट्टा निकाल के अचार बना लेना। इसमें हल्दी और नमक, इसमें हल्दी डाल, कच्चे मिर्च, कच्चे मिर्च डाले, हल्दी, नमक, नमक कच्चा मिर्चा, नमक, हल्दी डाल के फूटना है अचार के। हरी मिर्चा का अचार है, चिमली का अचार, हरी मिर्ची डाल के आपको बता रही नेक्स्ट टाइम। फिर पंडलों का बता दी, ये कच्चे मिर्चा का अचार है, फिर नेक्स्ट टाइम पंडले मिर्चा का अचार बता रही। मैं कभी भी और अपनी मत पूछती, इमली की चटनी भी हो, अचार हो, चार दिन हो गई, रखने की चटनी मजे की नहीं थी। पेस्ट का अचार है, फिर बगा लेना है। सूखे मिर्चा, राया, जीरा, लहसुन डाल के बगा लेना अचार को, प्रास में बगाने का। उसके बाद राया, लहसुन, लहसुन डाल, लहसुन डाल के ब्राउन कलर होना लहसुन। तो हल्दी, उसके बाद सूखे मिर्चा, कच्चे मिर्चा का अचार, कच्ची इमली का पेस्ट का अचार है।
अरे गरम गरम खाने में इमली का अचार अब बनाए सो प्रोसेस हुए सो रुखली का अचार ही रुखली का अचार रुखली का अचार में अरे पापड़ चिमली का अचार बिस्मिल्लाह अच्छा है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।